जिंदा लोग भी मुर्दे बना दिए जाएंगे। इसलिए जन जागरण का काम साथियों होना चाहिए। और अब एक तो मैं चलूंगा, अगर हम 100 लोग ये कमरे में आए क्या होगा, समाज में बहुजन समाज का नब्बे % का निर्माण हो जाएगा। जब बहुजन समाज का निर्माण हो जाएगा, सत्ता पक्ष किसका होगा, विपक्ष किसका होगा, 90% का, यानी कि संसद आपकी होगी, विधायिका आपकी होगी, कार्यपालिका आपकी होगी, मंत्रिमंडल आपका होगा, प्रशासनिक अधिकारी आपके होंगे, न्यायालय आपका होगा, प्रेस आपकी होगी, और आप सभी समस्याओं से बहुजन समाज की मुक्ति दिला दोगे, देश में कानून का और संविधान का राज आ जाएगा। अगर हम ये करते हैं तो ये अब दो रास्ते हैं आप लोगों के लिए, या तो महापुरुषों का बताया हुआ रास्ता जन जागरण की तरफ चलो, एक पहचान बताने में चलो, अपनी संस्कृति बताने में चलो, अपना समाज बताने में चलो, बहुजन का शासन बताने में चलो, या फिर उन किलों के पास चलो जो हमें उठा के ले जा रहे हैं। बहुत से हमारे भाई खुद कह रहे हैं कि यार जिद मैं भी क्या हूं, उसको भी उठा के ले जब ऐसा हो रहा है, टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, अब हमें डिसाइड करना है। अंतिम बात कह रहा हूं, अमरेश की एक कविता है, वो कह रहा है कि मैं एक एक कदम संभालो संभालो संभल के चल रहा हूं। दो रास्ते हैं बता रहा हूं भैया, महापुरुषों ने बताया हमारा शासन प्रशासन सारी सुख सुविधा, धन का देश में कोई कमी नहीं है, पैसा आपका है, देश इतना अमीर है जिसका अंदाजा नहीं है, यहाँ के छत्तीसगढ़ यहाँ का बिहार यहाँ का जो है छत्तीसगढ़ के साथ क्या है झारखंड बंगाल का कुछ एरिया आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, ये जो आदिवासी एरिया है इसके नीचे इतनी खाद और खदान है कि आधे देश की प्रॉपर्टी वर्ल्ड की आधे वर्ल्ड की प्रॉपर्टी एक तरफ और इन तीन चार प्रदेशों के जमीन के नीचे जो लोहा सोना चांदी अवरा है वो प्रॉपर्टी एक तरफ, ये देश के स्टेट ज्यादा धनवान है मगर उनके ऊपर शासक जिस बन के बैठ गया है, जिनका है वो शासक बनने को तैयार नहीं है, जिनका देश है वो बहुजन समाज बनने को तैयार नहीं है, वो समाज को जगाने को तैयार नहीं है, तब ये हाल हो रहा है। तो दो रास्ते हैं, एक इधर महापुरुषों का और एक इधर सिद्धों के पास जाने का। तो अंग्रेज कह रहा है मैं समर समर और समर के चल रहा हूं, क्यों कि मेरे पीछे मेरे बेटे, उनके पीछे बेटे की बहुएं और फिर मेरे बेटे के बच्चे पोते पोतियां वो मेरे कदमों के ऊपर कदम रखकर आ रहे हैं। मैं समर समर के इसलिए चल रहा हूं कि वो मेरे कदमों के ऊपर ही अपना कदम रखते हुए आ रहे हैं। मैं समझ समझ के इसलिए चल रहा हूं कि कहीं मेरा एक कदम भी गलत दिशा में ना चला जाए, क्योंकि अब मैं ही गलत दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरे आने वाले बेटे भवे और बच्चे भी गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए मैं समर समर और समर के कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन है आपसे, आपके पीछे भी हमारे पीछे भी आपके बच्चे आपके बेटे उनकी बहुएं उनके बच्चे आपके पीछे आ रहे हैं। आपने कौन से रास्ते का डिसाइड करा है, बहुजनों को शासक बनाने वाला या इधर गिद्धों के पास जाने वाला, ये आपके कदम किस दिशा में जा रहे हैं ये आपने डिसाइड करना है। तो अगर हमने शासक बनना है, सारी समस्या का समाधान करना है, तो जो महापुरुषों ने बताया है उस रास्ते की तरफ हमें चलना
में 50-60 के लिए 7 करोड़ हो गए, समाज को तैयार करने की जिम्मेदारी हो गए, तो इस देश में चंदी वर्षों में हमारा शासन प्रशासन आ सकता है, वरना मिल एक एक को उठा के ले जाता रहेगा। आप इस पे विचार करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, बड़ा मान सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।